हेलो, दिस इज वलीद। तो भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के कल के मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। रात गई बात गई, हमने पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हरा दिया, जीत हमने अपने नाम कर ली। उन्होंने हमें हराया, एक दफा वो जीते एक दफा हम जीते। अभी एशिया कप पड़ा हुआ है, क्या पता फाइनल में दोबारा इनके साथ टाकरा हो जाए। तो भाई अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, जितना हमने जश्न मनाना था मना लिया, जितनी पार्टी करनी थी कर ली, लेकिन जो हमें पॉजिटिव चीजें इस मैच से मिली इसको लेके हमने आगे जाना है और ट्रॉफी तक लेकर अपने घर आनी है। तो भाई बात करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस की, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच। टॉस हारने के बाद से रोहित शर्मा जिसको कह सकते हैं ऐसा उन्होंने डोमिनेट किया, उनको पता था, उन्होंने कहा प्रेशर नहीं लेना, पहली बॉल से उन्होंने डोमिनेट किया। हमारे मेन बॉलर नसीम जो कि पिछला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मेन बॉलर था, उसको इतने रन्स मारे, आगे बढ़ बढ़ के छक्के मारे केएल राहुल और रोहित शर्मा ने, इतना जबरदस्त सुपर स्टार्ट दिया। उसके बाद विराट कोहली जिसको कह सकते हैं ऐसी खतरनाक फॉर्म में आए हुए, एक और 50 उन्होंने बना दिया। लेकिन इतना अच्छा टॉप के 3 बल्लेबाजों ने रन्स करने के बावजूद इंडिया का जो नीचे का मिडिल ऑर्डर था वो जिसे कह सकते हैं कोलैप्स कर गया, और पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, और पाकिस्तान का जिसे कह सकते हैं थोड़ी सी मिस फील्डिंग की वजह से इंडिया के साथ मोमेंटम चला गया। आखिरी जिसे कह सकते हैं 2 बॉलों पे 2 चौके रवि बिश्नोई ने मार दिए, और जो मोमेंटम था वो तब भी इंडिया के पास ही गया, और आते साथ ही जब बाबर आजम आउट होते हैं उसके बाद फखर जमान भी आउट होते हैं तो मोमेंटम इंडिया के ही पास था। मैच में इंडिया ही फेवरेट था, पाकिस्तान फेवरेट नहीं था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान एक रिस्क लेता है, हुक्म का इक्का फेंकता है नवाज को, नवाज बल्लेबाजी करने आते हैं, नवाज ने अच्छी बल्लेबाजी की, रिजवान ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इंडिया ने कहां गलती की इस पे तो बात करें ना जरा, इंडिया ने क्या ऐसी गलती की इस पे जरा बात करते हैं। आपने देखा होगा इंडिया के 2 नए बॉलर खेल रहे थे, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। आप इनके स्ट्राइक्स देखें और बाकी सारे सीनियर बॉलर के स्ट्राइक्स देखें। रवि बिश्नोई ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, इतनी अच्छी बॉलिंग की, जितना उसको क्रेडिट दिया जाए कम है। उसकी बॉल पे एक अर्शदीप ने कैच भी छोड़ा था, उस कैच के ऊपर बाद में आएंगे। और रही बात अर्शदीप सिंह की, सुपर्ब यार, मैं ये समझता हूँ कि अगर आखिरी ओवर में 11-12 रन होते तो अर्शदीप सिंह ऐसा बॉलर है कि जो बचा सकता है। उसने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, और जिस किस्म के वो यॉर्कर मार रहा था ब्रिलियंट, मतलब के जसप्रीत बुमराह पार्ट 2 मुझे नजर आ रहा था। और एक अच्छा बॉलर है, उसने अच्छी बॉलिंग की है, रवि बिश्नोई ने भी अच्छी बॉलिंग की, उसने भी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन इंडिया के जो सीनियर बॉलर है, युजविंदर चाहल, उसकी इतनी गंदी बॉलिंग समझ से बाहर है, बहुत गंदी बॉलिंग की। हार्दिक पांड्या, उसने भी इतनी गंदी बॉलिंग की, हालांकि पिछले मैच में अच्छा बॉलर था, शॉर्ट बॉल ही नहीं डाली, मतलब कि पिछले मैच में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के अंदर पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुए थे, और इस दफा इंडिया ने शॉर्ट बॉल डाल ही नहीं रहा था। और रही बात एक और बॉलर भुवनेश्वर कुमार जो कि मेन बॉलर था, अगर भुवनेश्वर को सेकंड लास्ट ओवर में 19 रन ना पड़ते तो मैच तो जिसको कह सकते हैं इंडिया पकड़ लेता। अगर भुवनेश्वर को उस टाइम जिसको कहते हैं 10-12 रन भी पड़ते तो जिसको कह सकते हैं अर्शदीप के पास 15-16 रन होने थे 17 रन डिफेंड करने के लिए, तो अर्शदीप कर सकता था। लेकिन भुवनेश्वर ने उस किस्म की अच्छी बॉलिंग नहीं की, भुवनेश्वर के ऊपर जिसको कह सकते हैं बड़ा जिसको कहते हैं क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन हर बंदा इस पर जिसको कहते हैं एक ही बंदे को क्रिटिसाइज कर रहा है, अर्शदीप सिंह। यार देखो हसन अली ने भी कैच छोड़ा, मैच समेत हम सब ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज किया, उससे क्या हुआ, वो बेचारा ऐसा फ्लॉप हो गया कि उसकी फॉर्म वापस नहीं आ रही, तो हम हसन अली के मुजरी में हमने उसकी फॉर्म खराब की है। आप लोग अपने बॉलर को जिसको कह सकते हैं निराश ना करो, अर्शदीप सिंह एक अच्छा बॉलर है, अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग अच्छी की, इतने प्रेशर होने के बावजूद उसने जो ओवर निकाला है सुपर्ब, अगर वो कैच उससे छूटा भी उसके बाद भी उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया और अच्छा ओवर निकाला। अगर उसके पास ज्यादा रन होते तो वो डिफेंड कर लेता। तो भाई मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर काफी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये ना किया करो, मेरी वीडियोस में मैंने कमेंट्स में पढ़ा लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो देखो ये नहीं करना चाहिए। कैच हर कोई जानबूझ के थोड़ी छोड़ता है, कौन चाहता है कि मैं कैच छोड़ू बदनामी अपने नाम रखूं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रही बात मैच की, पाकिस्तान ने मैच जीते, सुपर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, नवाज ने ब्रिलियंट इनिंग्स खेली, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो एंकर रोल प्ले किया है ना, सल्यूट है मोहम्मद रिजवान को यार, मतलब के उसको क्रैम पड़ गए थे, उसने जो डाई मारी थी चौका रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद से भागा नहीं जा रहा था उस टाइम, उसके बावजूद वो ओपनिंग करने आया स्प्रे लगा के, उसके बाद उसने एंड तक खेला है, सुपर्ब यार, क्या बंदा है मोहम्मद रिजवान। और आसिफ अली का आपने कैच छोड़ा, आसिफ अली ने आपके मेन बॉलर को छक्के छक्के मार दिए, तो आसिफ अली भी बड़ा खतरनाक जिसको कह सकते हैं प्लेयर है, और आसिफ अली को चांस देना जिसको कह सकते हैं बहुत बड़ा जिसको कहते हैं रिस्क होता है। तो यही एनालिसिस था, पब्लिक रिएक्शन मैंने शूट किया हुआ है, मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला क्योंकि पूरी रात में इसको कह सकते हैं लगा रहा जश्न मनाता रहा, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह 1-2 घंटे में पब्लिक रिएक्शन भी अपलोड कर दूंगा। तो भाई आपको क्या लगता है इंडिया क्यों हारा मैच, और पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया जो मैच पाकिस्तान जीत गया, जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर खेल में हाजिर होंगे, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।